Assalamualaikum, जनाब कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो गाइस वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो होने वाली है इजराइल और फलस्तीन के ऊपर. इजराइल आप सभी को पता है कि बहुत ही बुरी तरह से घेरे में आ चुका है क्योंकि सारी की सारी कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्री है वो एकजुट हो रही है साथ में और इसराइल के ऊपर दावा करने के लिए हल्ला बोलने के लिए वो पूरे पूरे लेटर भेज रही है. जैसे आपने देखा बॉर्निंग से, बॉर्निंग से हाँ, मिल रही ईरान है. ईरान ने पूरे खुलेआम उनको कहा है इसराइल को कि जो गाजा पट्टी में अटैक हो जा रहे हैं, मारे जा रहा है फलस्तीनियों को, वो बंद कर दो फटाफट से, अदरवाइज यहाँ पे अटैक हमारी तरफ से, हमारी जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर के ऊपर ही हैं, जस्ट वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आप पे हमला होना. आधे के आधे अपने सैनिक उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिए हैं लेबनान भेजने के लिए, तो फिर भाई आप सबको पता ही है क्या होगा. सो बाकी फिलहाल वीडियो को प्ले करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है. सो वीडियो करते हैं स्टार्ट. नमस्कार दोस्तों, इसराइल अब तीन तरफ से फंस गया है. एक तरफ गाजा के छोर से हमास हमला बोल रहा है, दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्ला ने इसराइल पर गोले दागे, तीसरी तरफ इसराइल ने सीरिया के एयरपोर्ट पर मिसाइल दागकर एक दुश्मन और बना लिया है. दोस्तों आज की मौजूदा स्थिति में इसराइल तीन देशों से युद्ध लड़ रहा है, पहला फिलिस्तीन, दूसरा लेबनान और तीसरा सीरिया. अब बीच लड़ाई में भारत ने भी फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है. किसी भी समय युद्ध में अब ईरान की एंट्री हो सकती है और अगर ईरान की एंट्री हो गई तो फिर ना चाहते हुए भी अपनी रक्षा के लिए जॉर्डन, टर्की और इजिप्ट को भी इसमें कूदना पड़ेगा. और खाड़ी देश जब इसराइल के खिलाफ एक हो जाएंगे तो इसराइल में हवा भरने वाले अमेरिका और उसके मित्र देशों को इसराइल के समर्थन में खड़ा होना पड़ेगा. और जब विश्व मित्र और शत्रु देशों में बढ़ जाएगा तब जो युद्ध होगा वो विश्व युद्ध कहलाएगा और दुनिया इसे तीसरे विश्व युद्ध के नाम से जानेगी. दोस्तों जो लोग ये कहते हैं कि इसराइल बड़ा दूध का धुला है तो ऐसा नहीं है. इसराइल की नीति हमेशा से विस्तारवादी रही है. पहले भड़काओ, उकसाओ, फिलिस्तीनियों को डराओ, धमकाओ, उसके बाद अगर फिलिस्तीनी रिएक्ट करें तो फिर हमला बोल करके उनसे उनकी जमीन हड़प जाओ. शुरू से लेकर के अब तक का आप इतिहास अगर पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको बिल्कुल यही वाला पैटर्न मिलेगा. दोस्तों अब सीरिया को ही आप ले लीजिए. द आंसर माइट सरप्राइज यू बट डू यू नो हाउ मच टाइम इट टुक फॉर मी टू क्रिएट दिस अमेजिंग एक्सेल रिपोर्ट. सीरिया तो इसराइल के खिलाफ युद्ध लड़ नहीं रहा था, लेकिन इसराइल ने क्या किया? इसराइल ने सीरिया के दो एयरपोर्ट्स पर रॉकेट दागकर उनको तहस नहस कर दिया. अगर विश्व बिरादरी इसराइल से ये पूछे कि ये करने का हक इसराइल को किसने दिया, अमेरिका से खैरात में अगर हथियार मिल रहे हैं तो क्या जिधर मुंह करोगे, जिधर मुंह घुमा लोगे उधर रॉकेट मार दोगे? ऐसा है क्या? इसराइल की लड़ाई तो हमास से थी लेकिन हमला सीरिया पर कर दिया. सीरिया समाचार एजेंसी सना के मुताबिक सीरिया के दो एयरपोर्ट्स पर इसराइल ने रॉकेट दागे हैं जिससे एलेप्पो एयरपोर्ट और दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं. इसराइल के चैनल 12 ने भी इसकी पुष्टि की है. सीरियाई समाचार एजेंसी का क्या कहना है वो भी सुनिए. इसराइल गाजा के निर्दोषों के ऊपर मिसाइलें बरसा रहा है, आम लोगों को मार रहा है, अपने पाप छुपाने के लिए गाजा की तरफ से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए और फिलिस्तीन के हाथों होने वाले भारी नुकसान को छुपाने के लिए सीरिया पर हमला एक हताश प्रयास है. हालांकि इसका जवाब भी इसराइल को मिलेगा. दोस्तों इसी बीच भारत ने भी फिलिस्तीन को लेकर के अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है. भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो किसी तरह की आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा. भारत आजाद फिलिस्तीन की मांग के साथ है. भारत के विदेश मंत्रालय ने जो कहा है वो आपको सुनना चाहिए. इस संबंध में हमारी नीति लंबे वक्त से एक ही रही है. भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमाओं के तहत इसराइल के साथ एक आजाद, संप्रभु और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की वकालत की है. यानी भारत इसराइल की विस्तारवादी नीति का विरोध करता है. भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि फिलिस्तीन को जो असली फिलिस्तीन बंटवारे के बाद मिला था उसे वो मिल जाना चाहिए. इसराइल को फिलिस्तीन की कब्जा की गई जमीन को छोड़ देना चाहिए. इसराइल और फिलिस्तीन के बीच आज युद्ध का सातवां दिन था और इन सात दिनों में इसराइल के अखबार भी कैसे इसराइल के खिलाफ हो गए हैं आपको वो भी देखना चाहिए. एक इसराइली अखबार हारेट्स है, यह हमास और इसराइल वॉर को लेकर नेतन्याहू को जिम्मेदार बताते हुए क्या लिखता है जरा देखिए. नेतन्याहू मस्ट गो नाउ नॉट आफ्टर द गाजा वॉर. 9 अक्टूबर को एलन पिगर्स ने क्या लिखा वो सुनिए. इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इसी वक्त पद से हटा देना चाहिए. इसके लिए युद्ध, करप्शन ट्रायल या चुनाव का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. इस आशंका को लेकर पर्याप्त सबूत हैं कि हमास के खिलाफ युद्ध में उनके फैसले व्यक्तिगत, कानूनी और शुद्ध राजनीतिक विचारों से प्रेरित होंगे. लेबनान से लेकर चीन तक के मामलों में वो बिल्कुल बुरे प्रधानमंत्री साबित हुए. किसी को भी उनके इस्तीफे की उम्मीद नहीं है. सिर्फ इसलिए नहीं कि उनमें इसराइल के इतिहास के सबसे
जैसे बुरे दिन के बाद ऐसा करने की शालीनता और ईमानदारी का अभाव है। इसकी वजह उन पर लगे आपराधिक आरोप भी हैं। उन्होंने सारी वैधता खो दी है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिलिस्तीन से छपने वाले अखबार और अरब देशों से छपने वाले अखबारों पर भी एक नजर आपको देखना चाहिए। इन अखबारों ने भी युद्ध का विलेन नेतन्याहु को ही बताया है और सवाल उठाए हैं कि जब इजराइल के पास दुनिया में उन्नत मानी जाने वाली मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी थी, जब गाजा पट्टी से लगातार उनका संघर्ष चलता रहता है, तो फिर 5000 मिसाइलों से हमास ने हमला कर दिया और इजराइल को कानो कान खबर तक नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई राजनीति थी या फिर मिली भगत थी? दूसरा कारण यह भी है कि इजराइल का डोम सिस्टम बहुत उन्नत है। यह हवा में ही इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों को मार देता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल अपने डोम सिस्टम पर इतना खर्च करता है जितनी फिलिस्तीन की जीडीपी भी नहीं होगी। तो फिर उस रात सिस्टम ने मिसाइलों को ही हवा में क्यों नहीं मारा? यह सिस्टम फेलियर था या फिर जानबूझकर इजराइल पर मिसाइलें गिरने दी गई, जिससे दुनिया के सामने गाजा पर कब्जा करने की नीति को बिल्कुल ठीक ठहराया जा सके और गाजा को छीनने का मौका भी मिल जाए? तमाम तरह के सवाल नेतन्याहु के खिलाफ उठ रहे हैं। अब सवाल यह भी है कि नेतन्याहु अगर इतने महान प्रधानमंत्री हैं, तो फिर वो गाजा के निर्दोष लोगों को बिजली, पानी और इंटरनेट की सेवा क्यों नहीं दे रहे? उनके लिए बिजली, पानी और इंटरनेट की सेवा क्यों काट दे रहे? गाजा की तरफ मौजूद इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्टर कोई रिपोर्ट तक फाइल नहीं कर पा रहे। इजराइल की तरफ तो फेक न्यूज की बाढ़ है, ऐसी बाढ़ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति तक हमास की फेक न्यूज फैला रहे हैं। दोस्तों, दरअसल हुआ यह कि 11 अक्टूबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यहूदी लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे लेकर हमास ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और फिर इस पर अमेरिका को सफाई तक देनी पड़ गई। दरअसल जो बाइडेन ने कहा कि हमास का हमला बहुत क्रूरता वाला था, आतंकियों ने बच्चों तक को नहीं बख्शा और उनके सिर कलप कर दिए। बाइडेन के इस बयान पर कुछ घंटे बाद ही हमास का भी बयान आ गया और फिर अमेरिका को सफाई देनी पड़ गई। अमेरिका ने सफाई में क्या कहा वो सुनिए। अमेरिका ने सफाई में कहा कि बाइडेन ने नेतन्याहु के प्रवक्ता के दावों के आधार पर बच्चों पर हुए अत्याचार को लेकर के बात कह दी थी। तो अब आप समझिए कि इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में दुनिया के आगे फेक न्यूज से कैसे धूल झोंकी जा रही है। अमेरिका जैसे देश दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर खड़े होकर के झूठ बोल रहे और जब पकड़े जा रहे तो सफाई दे रहे। हमास ने कैसे इसका विरोध किया वो भी आप देखिए। हमास ने बाइडेन के झूठ पर अमेरिका से क्या पूछा वो भी सुनिए। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य इज्जत अल रश्क का बयान क्या है जरा देखिए। कुछ पश्चिमी मीडिया संस्थान हमारे फिलिस्तीनी नागरिकों के प्रतिरोध के बारे में इजराइल द्वारा रचा गया झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने हमास को बदनाम करने के लिए बिना किसी सबूत पेश किए ये दावा कर दिया कि फिलिस्तीनी लोगों ने बच्चों के सिर काट दिए और महिलाओं पर भी हमला किया। Yes. हमास ऐसे निराधार आरोपों की मजबूती से निंदा करता है। दोस्तों, अमेरिका इजराइल के फेक वीडियो पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, लेकिन इजराइल गाजा के ऊपर प्रतिबंधित बैन दम घोटू वाइस फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी पुष्टि ह्यूमन राइट वॉच ने भी की है। अब इस पर अमेरिका का मुंह नहीं खुलता है, अमेरिका के मुंह पर ताला लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर अमेरिका और इजराइल दोनों गाजा के ऊपर कब्जा चाहते हैं। ये कब्जा बिना युद्ध के हो नहीं सकता था और युद्ध के लिए कोई कारण चाहिए था और युद्ध बिना उकसावे के और दूसरे की कार्रवाई को नजरअंदाज किए बिना हो नहीं सकता था। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि 5000 मिसाइलें दागी गई, कहां से लाई गई, कहां रखी गई, कहां से चलाई गई, किसी को कुछ अता पता ही ना चले, ना मोसाद को, ना CIA को। भारत में परमाणु परीक्षण हो रहा था, इस पर अमेरिका ने आसमान सर पर उठा रखा था, रोज सैटेलाइट से नजर रखता था और गाजा इतना सेंसिटिव इलाका होने के बाद भी वहां ये आंख बंद करके पड़ा रहा। सोचिए दोस्तों, सोचिए दोस्तों। एक और खबर है, हमास ने जिस जर्मन लड़की को अगवा किया था, जिसकी फोटो और वीडियो वगैरह आपने वायरल होते हुए देखी होगी, वो लड़की सुरक्षित है और गाजा के अस्पताल में है, ऐसे तमाम वेबसाइट्स बता रही हैं। आखिर में एक बात और, तो हम इसराइल और फिलिस्तीन की जो भी खबरें आप तक पहुंचाते हैं ना, वो फिलिस्तीन और इसराइल के और अरब देशों के और विदेशी मीडिया के सारे आर्टिकल्स का अध्ययन करके पहुंचाते हैं, उनके आधार पर बताते हैं। हम पक्ष और विपक्ष दोनों की मीडिया का अध्ययन करते हैं, उसके बाद आप तक हिंदी में खबर पहुंचाते हैं। अभी के लिए इस एनालिसिस वीडियो में इतना ही। सो गाइस, ये थी वीडियो, बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी ये वाली, पूरा का पूरा उन्होंने लाइव अपडेट दे दिया हमें, हर एक चीज का, हां हर एक चीज का उन्होंने जिक्र करके आसानी से हमें चीज क्लियर कर दिया। एंड मेन चीज इंडिया का चल रहा था, तो इंडिया का भी इन्होंने यही क्लेरिफाई कर दिया कि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर सर्विस है, तो उन्होंने यही कहा फॉरेन कि इंडिया हमेशा मतलब कि उसके साथ खड़ा है
कि जो सही है, मतलब कि इंडिया हमेशा इंडिया फलस्तीन के साथ खड़ा है, फलस्तीन के हक के रिलेटेड खड़ा है, वो किसी भी आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते, किसी भी टेरर को सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे हमला इसराइल कर रहे हो चाहे फलस्तीन कर रहे हो। उनका मेन मुद्दा है कि जो उनके साथ जमीन का लफड़ा है उसके रिलेटेड इंडिया खड़ा है फलस्तीन के साथ। एंड बाकी भाई पूरी की पूरी अब जानकारी इसमें और ज्यादा क्लियर होती जा रही है कि हमला क्यों करा गया है ना। 5,000 मिसाइलें, एक छोटा सा एरिया गाजा, एक छोटा सा रीजन सा है, तो वहाँ पे गाजा ने इतनी ज्यादा मिसाइलें रखी, जहाँ पे इतनी कमाल की उनकी वो है फोर्स है मोसाद, तो उनको भी पता नहीं लगा। एंड डोम सिस्टम भी वही फेल हो गया। अब पता नहीं, ये नहीं पता हमें कि डोम सिस्टम ने थोड़ी बहुत मिसाइलें जो हैं वो सेव करी हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं करी हैं, क्योंकि अगर 5,000 मिसाइलें छोड़ते तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा हो जाता। तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ जो है उन्होंने वो करी होंगी, डोम सिस्टम ने करी होंगी वो उनकी। तो बाकी फिलहाल आगे देखते हैं भाई क्या बढ़ता रहता है, क्या तरीका है। और मेन तो इनका मुद्दा ये है कि गाजा को, इन्होंने गाजा पे कब्जा करना है, तो देखते हैं भाई कि क्या निष्कर्ष निकलता है इससे। और बाकी तो फिलहाल ये रिव्यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।